गुड मॉर्निंग, दिस इज ट्रेवलिंग सौरभ और आज मैं हूँ रवांगला में और सिक्किम डायरीज का आज डे 3 है और मैं अभी अपने होटल के यहाँ विंडो से व्यू देख रहा हूँ। मैं आपको पहले व्यू दिखा दूँ, उसके बाद क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, वाव, बादलों के ऊपर हूँ मैं एकदम पूरा। यहाँ सामने से थोड़े थोड़े देर में बादल आ रही है, जा रही है, थोड़े देर में पूरा मौसम क्लियर हो जा रहा है, फिर थोड़ा सा एकदम मौसम इस तरह का हो जा रहा है। कल रात का मैं वीडियो पूरा बना नहीं पाया क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोगों को यहाँ रवांगला पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, बहुत रात को हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे और उसके बाद फिर रात भर बारिश हुई है यहाँ पे, सुबह 5 बजे तक बारिश हुई है और बारिश का वीडियो मैं उस तरह से कर नहीं पाया क्योंकि यहाँ पूरा अंधेरा था, कुछ यहाँ दिखा नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया। डर भी लग रहा था कि कहीं लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो कहीं अपने फंस ना जाए इस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुबह होने के बाद 8 बजे के बाद पूरा मौसम छट गया और एकदम सब कुछ अभी क्लियर है, लेकिन फिर भी जो व्यू है ना, उफ क्या व्यू है। ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप कभी सिक्किम का प्लान कर रहे हो तो यहाँ एक बार ज़रूर आइए, रवांगला बोल के जगह है, यहाँ ज़रूर आइए प्लीज़। तब तक के लिए आगे का वीडियो मैं बनाता रहूंगा, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग ट्रैवलिंग सौरभ। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग यहाँ से बोरंग जाएंगे और रास्ते में एक मॉनेस्ट्री पड़ेगा, वहाँ पे भी जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स रेडी हो रहे हैं, तियास और अभय अपने बाइक को रेडी कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, कल रात को काफ़ी बारिश हुआ था तो थोड़ा सा साफ सफाई की ज़रूरत है और यहाँ अभी निकलते वक्त हल्का हल्का बारिश शुरू हो गया है, बट आई थिंक बारिश ना हो और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। सो मिलते हैं ऑन द वे में, तब तक के कीप वॉचिंग ट्रैवलिंग सौरभ। नवीना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ता काफी खराब होने की वजह से मुझे उतरना पड़ा और हमें स्कूटी को चला रहे हैं ऊपर। रास्ता देख रहे हैं जिस तरह से रास्ता है, यहाँ पे
ये अपने पिलियन को उतार के अभी बीच में हम लोग रुके हैं और अभी तियास कुछ बोल रहे हैं कि किस तो तरह से था ये तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी उठाते समय जिस तरह से उठाए हैं उतारने के समय क्या करना पड़ेगा? उतारने के टाइम पे थोड़ा रिक्स है, पहला पीछे ब्रेक नहीं मार के चलना होगा, सामने वाला ब्रेक मार के चलना होगा क्योंकि पीछे ब्रेक मारने से ही पकड़ लेगा, स्किड कर जाएगा जैसे अभी हो रहा था। तो ये वो जगह है जहाँ से अभी हम लोग उठ के आए हैं और पता नहीं आगे का रास्ता, पता नहीं आगे किस तरह का कैसा क्या मिलेगा, तो हम लोग आगे के लिए भी प्रिपेयर है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। कीप वॉचिंग ट्रैवलिंग सौरभ। सो अभी हम लोग रालंग मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं और मेरे सामने कुछ छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। देखिए, हाय हाय करो, हाय। क्या नाम है आपका? आपका आपका यहाँ देखिए तीनों छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पे ये एक्चुअल में ओल्ड मोनेस्ट्री है, रालंग ओल्ड मोनेस्ट्री है, न्यू मोनेस्ट्री पीछे पड़ता है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अभी प्रेयर टाइम था तो अंदर जाना ही सके हम लोग, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, न्यू मोनेस्ट्री की तरफ भी हम लोग जाएंगे और एक और जगह है जहाँ हम लोगों को जाना है। तो मौसम फिर से वैसा ही आपका होता जा रहा है, हर जगह पूरा फॉगी फॉगी सा होने लग गया है यहाँ पे।
अभी इस मोनेस्ट्री में हम लोग आए, जैसा कि मैंने यहाँ पहले बताया, हम लोग जिस टाइम पे आए हैं उस समय यहाँ पे प्रार्थना का समय है, तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर सामने जाके तो देख नहीं पाया, बट यहाँ से जो व्यू मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मोनेस्ट्री जो है ये पूरे पहाड़ों के बीचों बीच में स्थित है, और ये रहा इस मोनेस्ट्री का पूरा कंपाउंड, और यहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स अब अपने अपने सेल्फी ले रहे हैं, अब है यहाँ पे खड़े हैं, वो पढ़ने का कुछ कोशिश कर रहे हैं। सो अब हम लोग यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे, और निकल के अब हम लोगों को मंगन जाने का रास्ता पकड़ना है। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मिलते हैं। तो अभी हम लोग बुद्धा पॉइंट पे आए हुए हैं रवांगला पे, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आए हुए हैं, यहाँ बुद्धा पार्क है, ये रहा टिकट काउंटर यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एंट्री टिकट लेना होगा, टूरिस्ट एंड जनरल पब्लिक के लिए 50 रुपीस, फॉरेन टूरिस्ट के लिए आपका 200, स्टूडेंट्स 10, और मिलिट्री पुलिस के लिए 25 रुपीस, और ये खुला रहता है सुबह 9 से शाम के 5:30 बजे तक के लिए। तो जैसा कि बादल छट चुकी है और यहाँ पे बुद्धा स्टैचू यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है बुद्धा पार्क रवांगला में, अगर आप रवांगला आए तो एक बार बुद्धा पार्क ज़रूर आए, क्योंकि बुद्धा पार्क में यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे बुद्धा पार्क, बट हमें मंगन पहुँचना है, जिस वजह से हम लोग शायद इसे स्किप करेंगे, बट यहीं से हम लोग बुद्धा पार्क को देख रहे हैं, और बहुत सुंदर है। टाइम लेके आइए, यहाँ पे फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए, काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको टिकट काउंटर और ये सारा चीज़ मैंने आपको दिखा दिया था, रेट्स के बारे में टाइमिंग्स भी बता दिया था मैंने, तो आप यहाँ पर आएँ इसे मिस। ऑफ फ्रॉम रवांगला, और हम लोग मंगन के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, हमारे राइडर मिस्टर अभय रेडी हो चुके हैं, और एक राइडर हमारा ऑलरेडी बाइक स्टार्ट करके अपना पोजीशन ले चुके हैं, रास्ते में निकल चुके हैं, और उनके साथ उनके पिलियन भी रेडी है। सो हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं मंगन के लिए। जैसा कि हम लोग अभी रवांगला से मंगन के लिए निकले हुए हैं, और ये रास्ते सिंधा वाला रास्ता हम लोग पकड़े हैं, तो इस रास्ते में हम लोगों को काफ़ी कठिनाई आ रही है, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब, हमने दिखा देता हूँ आपको किस तरह का है रास्ता, किस तरह का रास्ता है।
कई कई जगह तो मुझे एज ए रेफ्यूजियन मेरे को बार बार उतरना पड़ जा रहा है, यहाँ पे उतर उतर के जाना पड़ रहा है ताकि जो राइडर है वो ठीक से गाड़ी चला के ले जा सके। काफ़ी कादा भरा हुआ रास्ता है और कल रात को जैसे काफ़ी बारिश हुई थी तो मैं अभी भी बाइक पे बैठा हूँ, बाइक कई जगह स्किड कर रहा है, कई जगह स्किड कर रहा है। और एक बाइक है, और एक बाइक है, ये है रास्ते, और एक बाइक है, थैंक यू। ये है रास्ते का हाल, और अभी एक फोर व्हीलर था वो हम लोगों को पास किया, रुक गया हमारे लिए। ये कंडीशन है रास्ते का। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, रास्ता काफ़ी ख़राब हो रखा है और कई जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। तो अभी हम लोग एक जगह पे आए जहाँ पे अभी हिल कटिंग इन प्रोग्रेस, रास्ता बंद हो रखा है, तो हमें कुछ देर यहाँ वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग फिर आगे के लिए निकल पाएंगे। इन लोगों को आज मैंने मना किया था, इन लोगों को आज मैंने मना किया था कि इतना लेट से नहीं निकलने के लिए। नहीं, बात मानने के नहीं है, बात मानने के नहीं है, आपने सुबह से बहुत लेट किया है जिसके कारण वो लेट हुआ। जब लेट हो गया है, आपका आज मन था, आपका आज मन था राव बंगला में रुकने का, तो राव बंगला ठीक है, हम लोग का मन, हम लोग का दो जन का मन था कि हम लोग को मंगन जाने का। टैली करके देखेंगे राव बंगला और मंगन को, राव बंगला को आप 100 में से 200 दीजिएगा और रहा मंगन को, मंगन को हम ज्यादा से ज्यादा 50। काम करते हैं फिर से यहाँ से। तो देखिए तर्क वितर्क किस तरह से होती रहेंगी, हम लोग ग्रुप में आए हुए हैं और यहाँ तर्क वितर्क ना हो इस ट्रिप में तो मज़ा भी नहीं आता है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कुछ भी हो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो रहा है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो रहा है। देखिए हौसला सबका ये अभी भी ये है कि आज हम लोग कहाँ जाएंगे, मंगन जाएंगे एकदम। तो हम लोग अपना पूरा कोशिश करेंगे कि आज हम लोग मंगन पहुँच जाएँ और आगे देखते हैं जैसा सिचुएशन रहेगा ये क्या होता है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, मिलते हूँ आगे के ब्लॉग। तो अभी मंगन जाते वक्त रास्ते में जोरों की बारिश होने लगी और हम लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ा। पता नहीं हम लोग अभी कहाँ पे हैं, लेकिन हम लोग अभी रुके हुए हैं, काफी तेज बारिश है और धीरे धीरे करके हमारे राइडर्स आ रहे हैं। तो अभी हालात ऐसा है, पूरा अंधेरा है, बाहर बारिश हो रही है, बस हमें एक शेल्टर मिल गया यहाँ पे खड़ा होने का इत्तेफाक से, और जब बारिश उठता है तब हम लोग देखते हैं। तो देखिए कैसा इत्तेफाक है, बारिश हो रहा है और हमें यहाँ शेल्टर मिल गया, यहाँ म्यूजिक बन रहा है और अभी इतने एक्साइटेड होके यहाँ पे अभी डांस वांस कर रहे हैं। अभी को तो और इज द पर्सन हु गिवन अस शेल्टर, सर योर नेम प्लीज। वांगचुक लेप्चा, okay, thank you sir. So sir have given a shelter, it's raining outside and hum logo ko mangal pahunch payenge ki nahi, I can't tell you right now because it's heavy raining outside aur gaadi kisi bhi tarah se hum logo ne shelter mein kar diya hai. So let's see what happened next, but until rain won't get stopped, so We are just trying to stay over here. देखते हैं कितने देर तक, but I will really thank sir. Okay, thank you so much sir. Yeah, it's very dangerous. So बारिश रुक चुका है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं and thank you sir one more time. अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे मेन हेड सियाजा रेडी हो रहे हैं, गेटिंग रेडी, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं हम लोग कितने दूर पहुँच सकते हैं। सो एक बार मैं तियाजा के पास कैमरा करते हुए बोलूँगा, पूछूंगा उनसे कि आगे आगे कुछ नहीं बोलेंगे, देखते हैं क्या होता है, मंगन पहुंचने का कोशिश करेंगे, जो कमिटमेंट था आगे आगे देखो होता है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो मिलते हैं
किसी और डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग ट्रैवलिंग सौरभ। किलोमीटर लाचन तो हम लोग मंगन पहुंच चुके हैं। रास्ते कुछ बज रहे हैं 11:15 रात के, बज रहे हैं 11:15। अभी हम लोग बस मंगन पहुंचे हैं, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो टू मंगन। चलो